इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दीनदयाल चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया, जहां इस दौरान कैंट विधायक अशोक रोहाणी, नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर सहित तमाम भाजपाई प्रतिभा स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के प्रणेता, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी ने विशाल वटवृक्ष के रूप लिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा किया गया। आज के दिन हम उनके पुण्यतिथि पर एक समर्पित भाव से कार्यकर्ता समर्पण निधि भी करते हैं और आज उसी कार्यक्रम के तहत उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। घमापुर थाना क्षेत्र काजघर में 9 तारीख को नर्मदा जयंती में आयोजित भंडारे में पुरानी रंजिश पर दो पक्षों के विवाद और बम कांड को लेकर आरोपी बनाए गए चार भाइयों का परिवार शुक्रवार की दोपहर 3 बजे एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई, जहां सुनीता पाशी ने एसपी को बताया कि क्षेत्र में रहने वाले राहुल यादव से उनकी पुरानी रंजिश चल रही है। वहीं 8 तारीख को डीजे में डांस करने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद राहुल यादव दूसरे दिन भंडारे में आया और उसके भाइयों सुनील पासी, सोनू पासी को गाली देने लगा। जब भाइयों ने गाली देने से मना किया तो राहुल यादव और उसके साथियों ने बम चला दिए, जिसको देखते हुए भाइयों ने घर में पूजा की तलवार उठा लाई, जब तक राहुल और उसके साथी फरार हो गए। लेकिन घमापुर पुलिस ने उल्टा चारों भाइयों पर बम कांड का केस बना दिया है, जो कि सरासर गलत है। वहीं राहुल यादव और उनके साथियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि बमबाजी उनके द्वारा की गई है। वहीं महिला ने एसपी से गुहार लगाई है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और जो असली दोषी है उन पर मामला दर्ज हो। उनके भाइयों ने कुछ नहीं किया। घमापुर पुलिस द्वारा झूठा केस बनाया गया है, जहां एसपी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। थाना घमापुर गोपाल होटल आधा चक्की के पीछे से आई हूं, जिसमें कि हमारे विपक्ष राहुल यादव ने हमारे यहां घर में हमारे यहां बम पटका हुआ है, जिसमें से घमापुर थाना हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी जा रही, प्लस हमारे भाई लोगों के ऊपर उल्टा केस लगाया क्योंकि बम चलाया राहुल यादव ने और हमारे चारों भाई एक ही घर के चारों भाइयों को फंसाया है। मैं महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे मतलब हम दोनों पार्टी को बम कांड लगाया जाए। टीआई साहब ने बोले हैंगे कि हम काउंटर केस बनाएंगे, लेकिन टीआई साहब ने काउंटर केस नहीं बनाया, प्लस हमारे भाई लोगों को फंसाया है, चारों भाइयों को फंसाया गया हैगा और इस हमारी घापुर थाना कोई भी सुनवाई नहीं करी जा रही। जबलपुर केंद्रीय जेल में एक प्रहरी द्वारा जहां अपनी बेल्ट में मादक पदार्थ गांजे की पुड़िया चोरी छिपे जेल के अंदर ले जाते वक्त चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था, वहीं प्रहरी के ऊपर जेल प्रशासन ने विभागीय जांच में बताई थी और उसे निलंबित कर दिया था, लेकिन थाने में एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं बाद में जेल प्रशासन ने प्रहरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जहां 5 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने के चलते प्रहरी फरार हो गया। जहां सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा फरार हुए प्रहरी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, वहीं जेल प्रशासन पर भी सवाल निशान उठ रहे हैं, क्योंकि जब प्रहरी को गांजे के साथ पकड़ा गया तब तत्काल ही रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जेल प्रहरी राजेंद्र राठौर की ड्यूटी रात्रि 2 से सुबह 6 बजे तक थी। उस दौरान बिंदु मिश्रा द्वारा उनकी गेट के अंदर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पैंट के जेब में से 10 पुड़िया गांजे जैसी मिली हैं, जिसकी जब्ती भी उनके द्वारा तैयार की गई है, जिसकी सूचना थाने में कल 11 तारीख को दी गई है, जिस पर आरोपी राजेंद्र राठौर जो कि जेल प्रहरी है उसके खिलाफ 820 NDPS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। आरोपी के लिए उनका विभाग का मामला उन लोगों ने बताया नहीं है, आरोपी वहां पे मिला भी नहीं, आरोपी को उन्होंने हमारे पास पेश भी नहीं किया है। अब उसमें जाँच चल रही है, जाँच के दौरान उसको अरेस्ट किया जाएगा। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। रा बाजार थाना क्षेत्र बिलहरी में ATM लूट के दौरान ATM में कैश जमा करने आए गार्ड राज बहादुर पटेल को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं परिजनों में प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है, जहां मृतक के परिजनों ने बताया कि घर में एक
लौटा कमाने वाला सिर्फ राज बहादुर था, वहीं उसके परिवार में विकलांग पत्नी है और 3 बच्चे हैं, जिसमें 1 बेटी विवाह योग्य है। वहीं 2 बेटे हैं जो दोनों बेरोजगार हैं। वहीं 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी प्रशासन और पुलिस ने अभी तक पीड़ित परिजनों से मुलाकात करना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं कंपनी की तरफ से भी कोई नहीं आया, जहां मृतक के परिजनों ने मांग की है कि विकलांग पत्नी को पेंशन दी जाए और दोनों बेटे में से 1 को नौकरी दी जाए। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने आज शनिवार की दोपहर जबलपुर कृषि उपज मंडी परिसर का औचक निरीक्षण कर यहां की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंडी प्रांगण में कई जगह फैली गंदगी पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए ऐसे स्थानों पर तत्काल सफाई कराने की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने मंडी में जानवरों के प्रवेश पर भी रोकथाम लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने किसानों की सुविधा के मद्देनजर पेयजल सहित मंडी प्रांगण में सभी जरूरी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। डॉक्टर इलैया राजा टी ने इस मौके पर मौजूद व्यापारियों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मंडी को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने व्यापारियों को भी आगे आना होगा और उन्हें आवंटित स्थान से ज्यादा पर किए गए अपने अतिक्रमण शीघ्र हटाने होंगे। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान मंडी प्रांगण से खाद वितरण की व्यवस्था का भी जायजा लिया। जबलपुर लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।